सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हाई O2 एनालाइजर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन इकोनोमाइजर एंड APH इन बॉयलर। यानी कि बॉयलर में जो एयर प्रीहीटर होता है और जो इकोनोमाइजर होता है उसके बीच में ही O2 एनालाइजर क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको समझने के लिए एक पिक्चर लिया है जो कि CABC बॉयलर का है। जैसे कि आप ये फर्नेस देख रहे हैं, फर्नेस में फ्यूल का कम्बशन हो रहा है और यहाँ पे साइक्लोन हो गया और फ्यूल का कम्बशन जो हो रहा है वो इस तरह होते हुए पाथ जो है वो इस तरह से जाएगा और यहाँ से फिर वो ESP ID के थ्रू होते हुए चिमनी से एटमोसफेयर में बाहर रिलीज हो जाएगा, जो फ्लू गैस, जो कोल कम्बशन होने के बाद जो फ्लू गैस बनता है। ओके, तो ये इसका पाथ होता है। अब इसी पाथ में देखेंगे तो आपका यहाँ पे इकोनोमाइजर लगा होता है, यहाँ पे आपका एयर प्रीहीटर होता है। ओके, और इन दोनों के बीच में जो जगह होता है ना, इसी के बीच में ये जो O2 एनालाइजर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, इस जगह पे ये लगा होता है। तो इसी जगह पर क्यों लगा होता है? इससे पहले हम लगा देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे लगा देते हैं फर्नेस में, क्योंकि फ्यूल तो फर्नेस में जल रहा है, या हम इसको APH के बाद, एयर प्रीहीटर के बाद या ID के पास ही लगा देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। नीचे देखिए इसी डायग्राम को, ये जो DCS वाला जो पिक्चर होता है वो इसमें देखिए, ठीक है, ये बॉयलर का ओवरव्यू हो गया, एक DCS पिक्चर है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लाइनें हैं, वो देखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर में जो देखें वो सिर्फ वहीं पर, यहाँ पर भी वही चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो ये हमारा फ्यूल जो है वो कम्बशन करेगा और ये इस तरह से साइक्लोन में होते हुए आपका यहाँ पर सेकेंड पाथ में आपका आएगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, बस इतना ही आप देखिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे इकोनोमाइजर मिलेगा, ठीक है, देखिए इकोनोमाइजर लिखा हुआ है और यहाँ पे एयर प्रीहीटर लिखा हुआ है। इसी के बीच में ये जो डक्ट होता है या लाइन होता है या पूरा पाथ होता है, वहीं पर आपका O2 एनालाइजर जो है वो लगा होता है। देखिए यहाँ पर O2 जो है वो शो कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि यहाँ पे ही क्यों लगा होता है। तो देखिए इसके एक रीजन नहीं, कई सारे रीजन हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। ओके, जिसमें पहला जो रीजन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जिसको माना जाता है, कि इंश्योर प्रॉपर एंड कंप्लीट कम्बशन ऑफ कम्बसिबल एलिमेंट ऑफ कोल। यानी कि जो हमारा फ्यूल, यानी कि जो हमारा जो फ्यूल है वो कोल है, ठीक है, कोयला जलता है, तो कोल में जो कम्बसिबल एलिमेंट होते हैं, कम्बसिबल एलिमेंट कहने का क्या मतलब है, जैसे कम्बसिबल जो जलने वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो कम्बसिबल एलिमेंट होते हैं ये प्रॉपर जल पाए, कंप्लीट तरीके से जल जाए, ये इंश्योर होने के लिए ही O2 एनालाइजर जो होता है उस पोजीशन पे लगा होता है। क्योंकि ये जो तीनों आपका कंपोजिशन होते हैं ना, ये अलग अलग टेम्परेचर पे जलते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन मान लीजिए ये 600-800 डिग्री पे जलेगा सपोज, ठीक है, ये हाइड्रोजन जैसे मान लीजिए 400 डिग्री पे जलेगा, आपका ये जो सल्फर होगा उसको 300 डिग्री भी मिलेगा तो वो जल जाएगा। यानी अगर इसके अवशेष, कोल जलने के बाद अगर इन किसी के अवशेष बच जाता है और कहीं पर किसी जगह पर वो पाथ में फ्लो कर रहे हैं और उस जगह पर उनको जो है उनका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है, मान लीजिए सल्फर बच गया और सल्फर का ही अगर इग्निशन टेम्परेचर वहाँ पर मिल गया 300 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पर भी उसका कम्बशन होगा। यानी कि जहाँ पर, और जहाँ पर कम्बशन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है और उस कम्बशन के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि हमें जो O2 एनालाइजर में जो ऑक्सीजन हमें दिखना चाहिए वो एक फाइनल कम्बशन के बाद ही दिखना चाहिए, तभी तो हम ये इंश्योर हो पाएंगे ना कि हमारा फ्यूल पूरी तरह से जल चुका है और फ्यूल जलने के बाद जो हमारा एक्सेस ऑक्सीजन बचा है वही हमारे एनालाइजर में शो कर रहा है, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर कम्बशन करा पाए। तो इसलिए O2 एनालाइजर को इस पोजीशन पे लगाया जाता है, क्योंकि आपके इकोनोमाइजर तक, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो हम फ्यूल जो फर्नेस में दे रहे हैं, फर्नेस में कम्बशन तो मेन तौर पे होता है लेकिन इसके कुछ अनबंट जो है वो इस पाथ में भी आ जाते हैं और पाथ में चूंकि टेम्परेचर है तो यहाँ तक आपके इकोनोमाइजर तक इसका कम्बशन जो होता है वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर इकोनोमाइजर हम जो आपका O2 एनालाइजर जो है वो इकोनोमाइजर से पहले या हम इधर कहीं पर भी लगा दें, तो यहाँ पर जब हमारा कम्बशन होगा तो ऑक्सीजन तो हमें यहाँ का शो कर रहा है, ठीक है, फर्नेस का शो कर रहा है, तो लेकिन हमें तो यहाँ पर कम्बशन होने के बाद भी ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस होगा, तो हमें एक निश्चित पैरामीटर जो है ऑक्सीजन का वो हमें शो नहीं कर पाएगा, जिसको हमको ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी और वो सेफ ऑपरेशन भी नहीं कराएगा। तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन हमें शो करता हुआ मिले और साथ में हमारा प्रॉपर कम्बशन हो, ठीक है, कम्प्लीट कम्बशन हो, इसलिए हम लोग O2 एनालाइजर को उस पोजिशन पर रखते हैं। नेक्स्ट रीजन है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एक्सेस एयर आफ्टर कम्बशन। तो जैसा कि मैंने बोला कि
कंबसन हमारा हो जाएगा उस जगह तक, इकोनोमाइजर तक, तो हमें एक एक्यूरेट ऑक्सीजन जो है वो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रीजन है ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट कंबसन कंट्रोल। अब हमें पता रहेगा कि हमारा कंबसन के बाद अगर 3% मान लीजिए ऑक्सीजन बच रहा है, तो उस अनुसार से हम अपने कंबसन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास O2 6 है और आपको अगर लोड बढ़ाना है, तो आप कूल उस अनुसार से आप देंगे, यानी कि ऑक्सीजन को देख के ही एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो मिलाया जाता है या फिट किया जाता है। ओके, तो ये आपको यहाँ से ऑप्टिमल और एफिशिएंट कंबशन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट जो है अवॉइड फॉल्स रीडिंग ऑफ O2 एनालाइजर। तो ये तो पहले बात हो गई कि मान लीजिए हम इकोनोमाइजर से पहले लगा दिए तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, हमें एक एरर दिख, हमें एक गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, क्योंकि फर्नेस में आपको कुछ रीडिंग दिखाएगा लेकिन एक्चुअल में तो कंबशन होने के बाद आपका वो ऑक्सीजन कुछ और ही बच रहा बॉयलर में। ओके, लेकिन अब मान लीजिए कि हम APH के बाद लगा देते हैं, ठीक है, तो जैसा कि आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि चलो ठीक है हम पीछे नहीं लगा सकते इकोनोमाइजर से पहले, लेकिन APH के बाद तो लगा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें भी देखिए दिक्कत है। APH में क्या होगा, मान लीजिए कि आपका APH में हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा एटमोस्फेरिक एयर जाता है गर्म होने के लिए वहाँ पे, तो इन केस अगर मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई लीकेज वगैरह होता है तो वो जो एयर जो होगा वो फ्लू गैस में मिक्स हो जाएगा और वो एक्चुअल एयर नहीं है जो हमारा फ्लू गैस में है। लेकिन एनालाइजर क्या शो करेगा, एनालाइजर को तो पता नहीं है ना, वो तो फ्लू गैस के एयर को सेंस करेगा, वहां के ऑक्सीजन को देखेगा, तो वो एक तरह से हमें इनएक्यूरेट जो होगा वो ऑक्सीजन शो करेगा। मान लीजिए कि अगर ट्यूब में लीकेज है और हमारा एनालाइजर मान लीजिए इस APH के बाद लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में अगर हमें ऑक्सीजन 6 दिखा रहा है तो उस 6 को देखते हुए अगर हम यहाँ पे कोल फीडिंग कर रहे हैं, कंबशन करवा रहे हैं फर्दर, तो वो सेफ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल क्या है हमें पता नहीं चल पाएगा कितना लीकेज हो रहा है, ठीक है, और एक्चुअल कितना ऑक्सीजन है, 2 है 3 है, तो इसलिए हमें प्रॉपर ऑक्सीजन दिखे, कोई एरर ना हो, फॉल्स रीडिंग ना दिखे, इसलिए लीकेज की वजह से इसलिए हम APH से पहले लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे APH का लीकेज होने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे कोई एयर मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीजन है जो कि हम APH से पहले लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर कंसिड्रेशन फॉर O2 एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट। ये भी देखा जाता है कि जो O2 एनालाइजर के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपके इस टेम्परेचर रेंज पे, यानी कि 300 डिग्री के आसपास, 250 डिग्री के आसपास इनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अच्छे से वर्क होता है, कोई एरर वगैरह नहीं बताता है। तो ये भी एक रीजन है, मेनली तो ये 4 रीजन हो गए, लेकिन ये भी एक रीजन में आता है कि इस वजह से यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट है सेफ बॉयलर ऑपरेशन। जैसा कि O2 एनालाइजर इस इकोनोमाइजर और APH के बीच में लगा रहे हैं, तो हमारा बॉयलर जो होता है वो सेफ ऑपरेशन होता है। जैसा कि आप समझ गए कि अगर इधर उधर या पहले या बाद में लगाते हैं तो हमें एक प्रॉपर कंबशन का आइडिया नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि ऑक्सीजन को देखते हुए हम कभी ज़्यादा फीडिंग कर दें या कम कर दें। अगर कम कर ज़्यादा कर देंगे फीडिंग तो आपका अनबंड फॉर्मेशन होगा, CO का फॉर्मेशन हो सकता है, और वहाँ पर कहीं पर भी जाकर वो जो होता है वो एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है CO, ठीक है, और जो CO एक्सप्लोजन करता है तो एक बहुत बड़ी तबाही भी देखी जा सकती है, ठीक है, बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमारा बॉयलर सेफ ऑपरेशन रहे, इसलिए इसका जो लोकेशन होता है वो इकोनोमाइजर के बाद और APH से पहले कंसीडर किया जाता है और वहीं पे लगा होता है। ओके, तो यही हो गया इस वीडियो में ये जानकारी, जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह का वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसमें हम लोग सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा वो भी आप पूछिए, ठीक है। हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल होता है वो भी समझने के लिए, तो अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है या नहीं कुछ वर्ड समझ में आ रहे तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, बाकी मैं तो कोशिश करता हूँ आपको जितना अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझाने का। ओके, आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।